वहीं आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि जहां प्रदेश कांग्रेस में टिकटों को लेकर खींचतान चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ एक दिग्गज जाट नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इनके पत्ते खोलने से जहां दातारामगढ़ की राजनीति में एक रोचक मोड़ आ गया, वहीं अब प्रतिद्वंदी पार्टी से मुकाबले के बजाय चौधरी साहब को घर में अपनी ही पुत्र वधू से टिकट मुकाबला करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के दिग्गज जाट नेता और विधायक चौधरी नारायण सिंह की। इनके पत्ते खोलने से एक नया ट्विस्ट आ गया और वो ये कि इस चुनावी लड़ाई में ससुर बहू के बीच तलवारें खींचने की नौबत आ गई है। सास बहू के किस्से तो आप रोजाना सुनते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ससुर और बहू का किस्सा। राजनीति में अब ससुर और बहू आमने सामने दिखेंगे। सीकर जिले के दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौधरी नारायण सिंह ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। गुरुवार को एक समारोह में सिंह ने कहा कि अब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता और मैंने कई चुनाव लड़ लिए हैं, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में दांतारामगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ही होंगे। इसके साथ ही सिंह ने सभी को एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया। ऐसा कहते हुए चौधरी नारायण सिंह थोड़ा भावुक भी नजर आए। इधर उनकी पुत्र वधू और पूर्व जिला प्रमुख रीटा सिंह भी दांतारामगढ़ विधानसभा इलाके में लगातार सक्रिय हैं और वे भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। रीटा सिंह अपने परिवार से करीब 10 साल से अलग रह रही हैं। रीटा सिंह फिलहाल पीसीसी सचिव हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब जब चौधरी नारायण सिंह ने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो उनके पुत्र और पुत्र वधू दोनों के समर्थक पशुपेश में है। देखना ये दिलचस्प होगा कि चौधरी साहब ने अपनी विरासत पुत्र को सौंपी है, तो उनकी पुत्र वधू जो कि टिकट के दावेदार हैं, उनका रुख क्या रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।